हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंजलि और आज का हमारा टॉपिक है पीएनडीटी फॉर्म्स। इस फॉर्म की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएनडीटी, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या होता है ये। ये फॉर्म प्रेगनेंसी के टाइम पे फिल कराया जाता है। ये आपका फॉर्म होता है रिगार्डिंग द जेंडर ऑफ द बेबी, कि आपका हॉस्पिटल जहां आप स्कैन करा रहे हैं वो कोई भी प्रोटोकॉल ब्रेक नहीं करता और आपको जेंडर नहीं बताता, और आप भी जेंडर जानने में अपने बेबी के इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो ये एक प्रोटोकॉल होता है जिस पर साइन होता है और आपकी डिटेल्स फिल होती हैं। इसके साथ ही जब ये फॉर्म फिल किया जाता है तो आपके कुछ आईडीज और कुछ आपके प्रिस्क्रिप्शंस चाहिए होते हैं, जिसमें आपका डॉक्टर ने जो कंफर्म करता है कि आपका किस डॉक्टर ने ये स्कैन आपको प्रेस्क्राइब किया है प्रेगनेंसी के लिए, आपका क्या मन चल रहा है, क्या मेडिकेशंस चल रही हैं, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें होता है डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पेपर में। उसके अलावा ऐसा आईडी चाहिए जिसमें आपका एड्रेस मेंशन होता है, जैसे कि आपका आधार, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, जहाँ पे आपका एड्रेस मेंशन हो ऐसा हमको कुछ आईडी या आइडेंटिटी चाहिए होती है। ठीक है, फिर उसके बाद डिटेल्स में अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो इसके डिटेल्स में आपका सबसे पहले पेशेंट का नाम, उसके बाद आपका ये पहला चाइल्ड है या इससे पहले आपके चाइल्ड हैं। अगर नंबर ऑफ चाइल्ड जितने आपके पहले हैं उतने लिखे जाएंगे, अगर नहीं है तो ये कॉलम ब्लैंक छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तीनों। फिर उसके बाद आपका अगर है बेबी तो बेबी बॉय कितने हैं, बेबी गर्ल कितने हैं। फिर उसके बाद आपके हस्बैंड का नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी एड्रेस। ठीक है, ये आपका क्या होता है, आपके गवर्नमेंट डाटा होते हैं, ये आपके गवर्नमेंट रिकॉर्ड होते हैं, तो इसीलिए ये सारी मेंशन ये सारे क्या होती हैं, डिटेल्स फिल कराई जाती हैं और फिर बाद में ये फॉर्म सबमिट हो जाते हैं। ये हॉस्पिटल्स के पास भी नहीं रहते हैं और ना ही पेशेंट को ये बार रिटर्न किए जाते हैं, ये रिकॉर्ड मतलब होता है आपका। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट नंबर के बाद आपका होता है एड्रेस, उसके बाद आपका ये जो आपका प्रेगनेंसी के लिए स्कैन है वो किस डॉक्टर ने रेफर किया है, तो रेफरिंग डॉक्टर आपका यहाँ मेंशन होंगे। फिर उसके बाद आपका लास्ट मेंसेस पीरियड कब रहा है, वो आपका लास्ट मेंसेस पीरियड मतलब आपका मेंसेस कब हुआ था, मेंस्ट्रुअल पीरियड कब हुआ था, वो डेट मेंशन होती है। फिर जो डॉक्टर स्कैन कर रहे हैं वो उनका नाम मेंशन होता है, ऑल्सो आपकी स्कैन डेट मेंशन होती है। ठीक है, पीएनडीटी फॉर्म क्या होता है कि आपका जो जेंडर बेबी का कोई भी ना बताए तो उसमें डिक्लेरेशन दिए जाते हैं, फिर बाद में आपके सिग्नेचर भी होते हैं। ये जो मेरे पास ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट आए थे एक, उनको यही नहीं पता था कि पीएनडीटी फॉर्म होता क्या है और उस पर जो सिग्नेचर लिए हैं तो उनके किस चीज़ के लिए सिग्नेचर लिए हैं। बाद में उनकी क्वेरी बहुत सारी थी। तो देखिए, डिक्लेरेशन होता है कि आपका जो पेशेंट, यहाँ पे एक ऐसे लाइन लिखी होती है जहाँ पे आपका यहाँ नाम आता है, आई एम मिस्टर एंड मिसेज जो भी आपका नाम है, डिक्लेयर दैट बाय अंडरगोइंग यूएसजी अल्ट्रासाउंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रोसीजर आई डू नॉट वॉन्ट टू नो द सेक्स ऑफ माई फीटस। और फिर आपके यहाँ सिग्नेचर होते हैं, यहाँ पे नाम आपका, यहाँ पे यूएसजी और फिर यहाँ पे आपके सिग्नेचर। ये आपका डिक्लेरेशन होता है कि आपको सेक्स जानने में बेबी के इंटरेस्टेड नहीं है आप। फिर एक डिक्लेरेशन डॉक्टर का होता है, आई डॉक्टर। फिर उसके बाद व्हाइल कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन ऑफ दिस पर्सन, यहाँ पर्सन का नेम। फिर आई हैव नेदर डिस्क्लोज द सेक्स ऑफ द बेबी। ठीक है, तो एक आपका डिक्लेरेशन होता है कि आपने नहीं जानना है बेबी का। फिर आप एक डॉक्टर का डिक्लेरेशन होता है कि उसको भी नहीं जानना है। प्रॉपर मैं आपको पीएनडीटी फॉर्म नहीं दिखा सकती क्योंकि ये भी एक प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, ये भी लीगल नहीं होता है। मैंने आपको फॉर्मेट इसलिए बता दिया है क्योंकि आप जब जाएं भी मतलब प्रेगनेंसी का स्कैन कराने के लिए तो आपसे ये फॉर्म फिल कराया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फॉर्म फिल हो रहा है उसकी मतलब फुल फॉर्म क्या है, इसके साथ क्या क्या अटैच होता है, तो आप पहले से ही प्री प्लान्ड होके जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या होता है, इसमें ऐसा कुछ आपका पर्सनल डिटेल हॉस्पिटल वाले नहीं रखते हैं, इसमें ये भी डाटा आपका क्या होता है डेली चला जाता है, फाइल्स जो आपकी होती हैं वो भी आपका अटैच जितना भी डॉक्यूमेंट होता है ये सब सबमिट हो जाता है। ठीक है, सीएम ऑफिस वगैरह में, और आपका रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, मेंशन। उसके अलावा
जो भी लोग ये पीएनडीटी फॉर्म फिल करते हैं तो उनको ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं होती है। सिर्फ आपके जो पर्सनल रिकॉर्ड होते हैं वो कोई भी प्रोटोकॉल ब्रेक। और दूसरी बात, ये फॉर्म जो ओरिजिनल फॉर्म होता है इसमें और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो मैं पूरा नहीं दिखा सकती, वो भी इलीगल है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मतलब जैसे हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल के भी कुछ डिटेल्स होती हैं उसमें मेंशन, जो कि दिखा नहीं सकते हम लोग। ठीक है, तो जो मुझे लगता था कि आपको पीएनडीटी फॉर्म्स के बारे में जानना चाहिए, और जो आपसे फिल कराए जाते हैं और जो इन मेंशन मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने इस वीडियो में आज बता दी हैं आपको। इसके अलावा जब आपका प्रेगनेंसी स्कैन होता है तो आप जब लास्ट मेंसेस पीरियड क्यों लिखते हैं, लास्ट मेंसेस पीरियड आपकी प्रेगनेंसी का एक कंफर्मेशन का साइन होता है। फिर उसके बाद वीक्स कितने हो गए हैं आपकी प्रेगनेंसी को, किस लेवल की प्रेगनेंसी है, इसलिए आपका मेंसेस पीरियड का डेट लिखा जाता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर विजिट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, एंड ऑल्सो कीप विजिटिंग माई चैनल एंड आई विल कम विद मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।